अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, जिसमें कि वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया है ना, और हमें बताना है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर इंस्टेंटेनियस फोर्स किधर लगेगा। कहा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम आर गिवेन बाई E1 इज इक्वल टू E0 जे कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वाला जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वाई डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरा जो है ये दूसरा लाइट वेव है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका इक्वेशन दिया गया है E2 इज इक्वल टू E0 के कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है और वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में हो रहा है, के कैप डायरेक्शन में, ठीक। तो कहा गया एट टी इज इक्वल टू जीरो अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज एट ऑरिजिन विथ अ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 0.8 सी जे कैप, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सपेरियंस्ड बाय दिस पार्टिकल इज। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो चार्ज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो लॉरेंट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से फोर्स का वैल्यू होना चाहिए क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तो यहाँ दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें पता करना है, ठीक। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पहले लिखता हूँ, जो E1 है, E1 का वैल्यू आप देखेंगे दिया गया है E0 जे कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो E2 है इसका वैल्यू दिया गया है E0 के कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। तो इस वेव के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे है ना, तो ये आएगा B0, B0 का वैल्यू है हम लोग E0 बाई सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा E0 बाई सी। ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो जो वाइब्रेशन है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा है ना, तो यहाँ पर के कैप आएगा। बाकी ये इक्वेशन तो सेम रहता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसी तरह से दूसरे वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा E0 बाई सी। देखेंगे ये y डायरेक्शन में वेव जा रहा है, वेव y डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो है y डायरेक्शन में वाइब्रेट करना x डायरेक्शन में वाइब्रेट करना चाहिए क्योंकि y डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, तो वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये z डायरेक्शन में तो ये x डायरेक्शन में, यानी कि i कैप आएगा यहाँ पर cos ओमेगा t माइनस के वाई, चूंकि ये सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये इसका फेज और इसका फेज सेम होना चाहिए, ठीक। तो इस फोर्स वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग रखेंगे। अच्छा, ये जो फोर्स है वो हमें पता करना है कब, एट टी इज इक्वल टू जीरो और शुरू में ओरिजिन पर है तब, तो ओरिजिन पर है तो एक्स वी कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, ठीक। तो ये वैल्यू जो रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करते हैं, देखेंगे E1 जो होगा टी का वैल्यू जीरो एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा वन, यानी E1 आएगा E0 जे कैप। E2 कितना आएगा, इसमें भी वाई जीरो करेंगे इसके हिसाब से और टाइम जीरो करेंगे, तो ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा वन, तो ये आएगा E0 के कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो B1, तो इसमें भी एक्स जीरो टी जीरो चूंकि ओरिजिन पर है टी इक्वल टू जीरो पर, तो ये जीरो होगा तो ये हो गया वन, तो ये आएगा E0 बाई सी इंटू के कैप, है ना। एक्चुअली में यहाँ पर ये होता है E0 बाई वी होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं ठीक है, E0 बाई सी हो गया ये के कैप और ये हो गया वन, ठीक। तो जो B2 है B2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये भी t इज इक्वल टू जीरो पर y का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी cos
0 1 हो जाएगा, तो ये आएगा E नॉट बाय C I कैप। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ गए, तो रिजल्टेंट फील्ड भी यहां पर हम रख सकते हैं। वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया गया है, देखेंगे वेलोसिटी दिया गया है 0.8 सी जे कैप, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे एफ का जो फॉर्मूला है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये आएगा ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, प्लस क्यू वी क्रॉस बी, वी जो है दिया गया है 0.8 सी जे कैप क्रॉस क्रॉस बी, बी में क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई सी के कैप प्लस ई नॉट बाई सी आई कैप। तो पहला चीज तो ये है, ये सी जो है एलसीएम लेकर के इस सी से कैंसिल कर देंगे, है ना। अब इसको अब सोल्व करेंगे तो ये आएगा क्यू ई नॉट जे कैप क्यू ई नॉट के कैप प्लस, यहां पर देखेंगे ये आएगा 0.8, ये है जे क्रॉस के, है ना, तो जे क्रॉस के जो है वो होता है आई, तो यहां पर लिखेंगे क्यू ई नॉट आई कैप, ये होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा यहां पर जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो यहां पर माइनस पहले लगा देता हूं मैं, और ये आएगा 0.8 क्यू ई नॉट के कैप, ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करते हैं, है ना, ऐड करेंगे तो देखेंगे ये के वाला ऐड हो जाएगा और बाकी जो है क्यू ई नॉट कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 0.8 आई कैप 0.8 आई कैप, जे कैप वाला एक ही टर्म है ये, तो ये आएगा 1 जे कैप, और के कैप वाला देखेंगे यहां पर है, यहां पर है ना, तो ये 1 और ये 0.8, 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो आएगा 0.2 के कैप, है ना। तो ये जो है फोर्स आया। अब देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है यहां पर थर्ड वाले में दिया गया, थर्ड वाले में देखेंगे क्यू ई नॉट 0.8 आई कैप प्लस जे कैप 0.2 के कैप दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हुआ।